इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम में सियासी घमासान जारी है। सबसे नौजवान उम्मीदवार 25 उम्र तो बुजुर्ग 58 उम्र का भाजपा कांग्रेस की जानिब से वोटरों को रिझाने की कोशिश, और कितने दिन इख्तदार पर रहेगी भाजपा, कहा साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने। कोरोना के बहाने फिर बच्चे घरों में। इन तमाम अहम खबरों से पहले क्या लोकतंत्र दम तोड़ रहा है? वैसे पहले भी कई बार ईवीएम मशीन पर सवाल उठाए गए। कहा यह जाता है कि भाजपा की जीत का राज ही ईवीएम मशीन है, पर हमेशा भाजपा की जानिब से इनकार किया जाता है। खैर, अब इसके लिए कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है या नहीं, ये और सवाल हो सकता है, क्योंकि यह पूछना जरूरी है कि कांग्रेस के दौर में ही ईवीएम मशीन से चुनाव लड़े गए। कई बार इस पर इसलिए भी सवाल उठाए गए क्योंकि वोटरों से भी ज्यादा या कम वोट पाए जाने की भी बात कही जाती रही, इसे रिमोट के जरिए से भी ऑपरेट करने की बात कही जाती रही। लिहाजा बार बार महज भाजपा ही इसकी तरफदारी में नजर आती रही। कई बार कभी लॉजिंग में, तो कभी लीडरों के घर में, तो कभी किसी पार्टी लीडर के पास, तो कभी सड़क के किनारे भी ईवीएम मशीन पाए जा चुकी है। वैसे भी गलती से किसी के पास कुछ भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि मोदी हुकूमत इस तरह की बयानबाजी में माहिर है। हाल ही में जो कर्ज पर सूद की कटौती को लेकर मरकजी वजीर ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया था, पर जब इन्हें मालूम हुआ कि हमने जो ऐलान किया है वो आयन चुनाव के वक्त में किया है, लिहाजा गलत ऐलान किया है और इसका असर चुनाव पर हो सकता है, लिहाजा गलती से फैसला लिया गया कि बात करते हुए फैसले को रद्द कर दिया गया। ताज्जुब तो इस बात का होता है कि कुछ भी कहीं पर क्या भी कैसे भी मनमानी चल रही है, पर पूरा देश या तो भुखमरी या महंगाई या फिर कोरोना वैक्सीन में मसरूफ है, और यह मसरूफियत भी इसी साजिश का हिस्सा कहा जा सकता है। अगर आपको दो वक्त की रोटी आसानी से मिलने लगेगी तो फिर आप सवाल पूछने के लिए फारिग हो जाओगे। तुम्हारे जहनों को अगर महज दो वक्त की रोटी कैसे हासिल करें सोचने लगोगे तो फिर हुकूमत को आजादी होगी कि जो चाहे फैसले ले ले, फिर उसे रद्द करे। जब से मोदी हुकूमत आई है आपको यह शिद्दत से महसूस होगा कि कैसे आवाम को किसी न किसी तरह मसरूफ किया जा रहा है, वरना मुल्क की ऐसी हालत कभी नहीं थी। फिर एक बार फिर लॉकडाउन पर सोचा जा रहा है, और आज जब आपको लॉकडाउन कहा जाएगा तो फिर तुम जिंदा रहने की जद्दोजहद में लग जाओगे। लिहाजा अब लॉकडाउन को लेकर मुखालिफत की आवाजें भी उठ रही है, क्योंकि अभी पिछले लॉकडाउन के जख्म गहरे हैं, अभी जख्म भरे नहीं है, और एक जख्म देने की तैयारी चल रही है ताकि तुम हमेशा कराते रहो। खैर, अब जब कल ईवीएम मशीन भाजपा एमएलए की गाड़ी में पाए गए तो लोकतंत्र पर सवाल उठना लाजिम हो जाता है। खासकर भाजपा जब से इख्तदार पजीर हुई है, सरकारी गाड़ियों के बजाय निजी गाड़ियों में ईवीएम की मशीनों को पकड़ने की वीडियोस वायरल होते ही रहते हैं। ईवीएम मशीन की चोरी पर विपक्ष यानी मुखालिफ पार्टियों ने आवाज तो उठाई है। तेजस्वी यादव ने भाजपा इसी तरह चुनाव जीतने की बात कही तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि भाजपा यही काम करती है कि हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करना, वोटरों को खरीदी करना, जीते हुए एमएलए को खरीदना, एनआरसी जैसे कानून नाफिज करना और आखिर में ईवीएम की चोरी करना। वही कांग्रेस के गौरव गंगोई ने कहा कि ईवीएम लूटना, बूथ पर कब्जा करना, और ये तमाम काम इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में हो रहे हैं, लिहाजा लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। लिहाजा एक बार फिर ईवीएम मशीन की चोरी मंजर आम पर तो आई है, और इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई बचकाना तौर पर दे रहा है, जो किसी लिहाज से यकीन नहीं किया जा सकता, पर चुनाव आयोग पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि मोदी हुकूमत के इशारों पर तमाम कामों को अंजाम दिया जाता है। लिहाजा इतना जरूर कह सकते हैं कि लोकतंत्र आखिरी सांस ले रहा है, जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे खामोशी हमारी नस्लों को गूंगी कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती है, इसकी रूह है। कुछ लोगों ने पिछले कुछ सालों से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, फिर से अमीरों की गुलामी में ले जाना चाहते हैं, जो भी आवाज उठेगी उसे दबाना चाहते हैं। आप अगर अपने जमीर का सौदा करके इनसे मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें हर चीज मिलेगी, और अगर तुम सत्ता से सवाल पूछोगे या इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारे पीछे तमाम सरकारी मुकामात को लगा दिया जाएगा, और तमाम चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है। जो लोग सत्ता के खिलाफ है इन्हें आजमाया जा रहा है, तरह तरह की तकलीफें दी जा रही है, और जो लोग जमीर फरोश है, मजे में है, पर बेगैरत होकर हजार साल जीने से
अच्छा है कि गैरतमंदी के कुछ लम्हे इज्जत के साथ जीने का जज्बा होना चाहिए। बात भी उतनी सच है कि बेगैरत लोगों को कभी याद नहीं किया जाता। हजारों लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को कबूल किया था ताकि किसी आजमाइश से न गुजरना पड़े, पर हमेशा टीपू को याद रखा जाता है क्योंकि टीपू का कौल आज भी मशाले राह है। गिदड़ की 7 साला जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। कहने का मतलब, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कत्ल किया जा रहा है, वक्त आ चुका है कि सवाल पूछे, वरना हमारी खामोशी में सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं। बेलगाम लोकसभा चुनावी इजलासों का दौर जारी है। कांग्रेस और भाजपा की जानिब से कुव्वत आजमाई जारी है। भाजपा के लिए वक्त कुछ हद तक मुश्किल इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इनके पास मकामी लीडर की कमी नजर आ रही है, क्योंकि सीडी मामले की वजह से भाजपा की जल्द वजीर रमेश जारकीहोली मुश्किलों में फंसे हुए। SIT की तफ्तीश जारी है, मुकदमे भी दायर किए जा रहे हैं। मंगला अंगड़ी के लिए बेटी श्रद्धा और साबिक वजीर आला जगदीश चट्टर भी बेलगाम में मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर मंगला अंगड़ी को जिताने की गुजारिश कर रहे हैं, पर कहीं तो सुरेश अंगड़ी की कमी नजर आ रही है। लिहाजा मराठी अवाम यानी MES शिवसेना की जानिब से शुभम शेड़के को उम्मीदवारी हासिल हुई है। मराठी वोटर्स कितना असर इस चुनाव में रख सकते हैं और इसका असर किस पार्टी पर रहेगा, यह भी काफी मायने रखता है। लिहाजा 25 उम्र के उम्मीदवार से लेकर 58 उम्र तक की फहरिस्त है, पर असल मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के दरमियान ही देखा जा सकता है। कुल 18 में से 8 उम्मीदवारों ने पीछे ली हुई अपनी उम्मीदवारी पीछे लिए है, तो इस मैदान में सिर्फ 10 होंगे। अगर शुरुआती रुझानों पर नजर डालें तो कांग्रेस का इस सतीश जारकीहोली की तरफ अवाम का रुझान ज्यादा नजर आ रहा है। वैसे पिछले 16 सालों से भाजपा कई दिन बेलगाम लोकसभा के लिए जीत हासिल करते आए, पर यह पहला मौका हो सकता है कि इस बार कांग्रेस यह सीट भाजपा से छीन सकती है, जिसकी कई सारी वजूहत है। पिछले 20 सालों से सतीश जारकीहोली की तस्वीर बेदाग है और मुख्तलिफ समाज में इन्हें चाहने वालों की भी तादाद काफी ज्यादा। वैसे मोदी लहर की वजह से भाजपा मकामी लीडरों की गलतियां छिप गई और मरकजी चेहरा वजीर आजम का रहा। फिर पूरे भारत में हिंदुत्व का कार्ड भी खेला गया, पर देश में कुछ परिवर्तन को महसूस किया जा रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। भले भाजपा मोदी RSS अलग अलग दांव पेंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर शायद आने वाले चुनाव में तब्दीली देखी जा सकती है। अगर वाकई आवाम कुछ सोच रही है तो खैर, बेलगाम में वोटरों को अपनी तरफ माइल करने की तमाम कोशिशें जारी है। अब इसका इंतजार तो हमें नतीजे तक तो करना ही होगा। आज से फिर स्कूलों को बंद करने की वजह से बच्चों में मायूसी देखी गई। वैसे तो बढ़ते मरीजों के मद्देनजर फिर रमजान महीना लॉकडाउन में गुजरेगा क्या, ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। आने वाले 20 दिनों तक स्कूलों को बंद करने का फैसला रियासती हुकूमत की जानिब से लिया गया, पर कुछ विरोध भी इसके चलते देखा जा रहा है। कहीं तो बगावत की बू को महसूस भी किया जा रहा है। यात्राओं उर्स पर पाबंदियां तो आयद की गई, लेकिन कुछ लोगों ने एहतजाज करते हुए सवाल भी पूछा कि चुनावी इजलासों के वक्त कोरोना क्यों नहीं रहता, मजहबी रसूमात या मजहबी इजलासों पर ही क्यों पाबंदी आयद की जा रही है, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। यह भी इम्कानात इजहार किए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद बेलगाम में शायद रात का कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर उठते सवालों पर उद्धव ठाकरे को भी कुछ फैसले लेना मुश्किल होता जा रहा है। पूछने वालों ने तो कोरोना और रात के कर्फ्यू का क्या ताल्लुक है, ऐसा भी सवाल पूछा है, पर हम सभी जानते हैं कि यहां सवाल नहीं पूछे जाते। साबिक वजीर आला सिद्धरमैया ने येडियुरप्पा की हुकूमत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितने दिन इख्तदार पर रहोगे, क्या मालूम कब हुकूमत गिरती है, बेचारा येडियुरप्पा कहते हुए तंज किया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब मैं वजीरे था, यानी कि खुद सिद्धरमैया जो वजीरे आला थे, तो तमाम स्कीमों को इन्होंने शुरू किया था, ऐसा इनका कहना। अन्य भाग जैसे कई योजनाओं स्कीमों को शुरू किया और किसी भी पार्टी का हो सभी के कामों को अंजाम दिया। हर घर को राशन में चावल दाल दिया, ये तमाम चीजें मैंने कोई अपने घर से नहीं दी थी, बल्कि अवाम ही के रुपयों से इन्हें अनाज देने की कोशिश की। लिहाजा अब हुकूमत कब गिरती है मालूम नहीं, ऐसा तंजिया जुमला भी सिद्धरमैया ने इस्तेमाल किया। खैर, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए तहत न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।